हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, कल रात इनका क्या सोचना रहा, किस तरह के थॉट्स इनके मन में कल रात आपको लेकर आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर चलते रहे, तो ये चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। गाइज, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान कनेक्ट होना चाहते हैं। ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा, देखिए आएगा तो लौट फिरकर आप ही के पास ही, तो वो चीजें हैं। तो देखने जा रहे हैं कल रात इनकी क्या सोच रही, क्या एनर्जीज रही। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए बताइए। स्प्लिटिंग अपार्ट ट्रेडिंग, द रिसेप्टिव ऑब्स्टिकल्स, गाइड कीजिए बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या नाजीज रही है, गाइड कीजिए। इनर ट्रुथ एंड ओवरऑल एनर्जी है बिफोर कंप्लीटेशन, ठीक है। तो एनर्जी जब टैरो से कार्ड्स निकाले जाएंगे तो डिस्कस डेफिनेटली करे जाएंगे, तो सबसे पहले ये देखने जा रहे हैं कि कल रात इनकी क्या सोच रही, क्या एनर्जीज रही है। तो देखिए सवाल पर आ जाते हैं कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में रही। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कल रात आपके पर्सन काफ़ी दर्द में रहे हैं, एक ऐसे दर्द में ये रहे हैं जिसमें इन्होंने अपने आप को टूटा हुआ, एकदम बिखरा हुआ फील करा है। इन्होंने ऐसा फील करा है कि ये इस वक्त में मरे के बराबर हैं, यानी कि इनका ऑलरेडी डेथ हो गया है, और या फिर इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि इन्हें ना सबने तोड़ा है, फिर चाहे उसमें आप भी क्यों ना शामिल हो या फिर कोई और लोग भी क्यों ना शामिल हो, इनके मन में कल रात इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि ये इन्होंने जिससे भी प्यार करा, पूरी मासूमियत से इन्होंने प्यार करा, एकदम छोटे से बच्चे की तरह इन्होंने प्यार करा, लेकिन इसके बदले में इन्हें सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है, तकलीफ़ें मिली हैं, या इस तरह का ये जो सेपरेशन है वो मिला है। अब चाहे तो ये सेपरेशन आपकी वजह से इन्हें लग रहा हो, किसी तरह की गलतफहमी की वजह से लग रहा हो कि ये सेपरेशन आपने इनसे करा है, या फिर कोई थर्ड एनर्जी जिसके बारे में इन्हें पता है कि उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में ये सेपरेशन हुआ है। दोनों ही सूरतों में ये पर्सन कल रात अपने आप को काफ़ी दर्द में फील कर रहे थे और इन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे जो भी आसपास के लोग हैं, फिर कोई भी हो, उन लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे नुकसान पहुँचाया है, मैंने उनके ऊपर आँख बंद करके भरोसा करा लेकिन उन लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है, तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह की नेगेटिविटी, उस तरह का दर्द आपके पर्सन के मन में कल रात बेहद ज़्यादा चला, और उस चीज़ को लेकर इनके मन में ये भी चलता रहा कि मुझे उस चीज़ का जैसे बदला लेना है, विद दिस रिवेंज कार्ड, जैसे इनके मन में ये चीज़ें चल रही थी कि जिसने मेरे साथ गलत करा, मुझे दर्द दिया, तकलीफ़ दिया, उसके लिए मैं लड़ूंगा या लड़ूंगी, उससे मैं बदला लूँगा या बदला लूँगी, तो वो एनर्जीज रही, और इसके लिए मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी,
ठीक है, कि जो मेरे लिए डिवोटेड रहे, जो मुझ पर भरोसा करे और जो मेरा भरोसा ना तोड़े, तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चली हैं। यानी कि कल रात ये पर्सन काफ़ी बदला लेने वाली एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जीज़ में रहे हैं। आप देखिएगा किस एनर्जीज़ में रहे हैं, और यहाँ पे भी एंगर एंड चेन, जैसे कि इनके मन में इस तरह का गुस्सा हो कि जिसने भी मेरी ज़िंदगी में इतने सारे ऑब्स्टिकल्स को, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को, इतने स्ट्रगल्स को लाए हैं, मैं अब उनके साथ अपना बदला लूँगा या लूँगी, और उन पर इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये एनर्जीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जीज़ में तो भाई आपके पर्सन कल रात रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जैसे इन्हें उस पर्सन का एहसास हो रहा, उस चीज़ के लिए अवेयर हो रही हो कि कौन ये करने वाला है, यानी कि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही थी कि इन सब चीज़ों के पीछे किस कौन है ज़िम्मेदार, तो वो चीज़ें भी इन्हें समझ में आ रही थी कि उससे मुझे बदला लेना है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, यहाँ पर ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि इस पर्सन के मन में ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चली हैं कि मुझे अब ना क्लियर होना है, मुझे इन सब चीज़ों में क्लियरिटी लेकर आनी है कि मेरा कौन है, मेरा कौन अपना है, कौन पराया है, मेरी दुनिया कौन है, कौन मेरी दुनिया नहीं है। तो उस चीज़ की तलाश में जैसे इन्हें निकलना हो, तो वो इनके मन में बहुत ज़्यादा चला है कि अब मुझे उस पर्सन को ढूंढना है जो एक्चुअली में मेरी वैल्यू समझे, मुझे प्यार करे, दिल से मुझे प्यार करे, और उन सब चीज़ों को, उन सब लोगों को मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना है जिन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं तोड़ा है, मारा है, या मुझे परेशान करा है, या मुझे बर्बाद करा है। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा चली हैं जिसने मेरे लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इनके मन में ये चीज़ें भी चल रही थी कि अपने आप को कंप्लीट करने से पहले, या अपनी दुनिया को कंप्लीट करने से पहले ज़रूरत है मुझे मेरे मन में जो भी डाउट्स हैं मैं उन्हें क्लियर करूं, मैं उन्हें सॉल्व करूं, और फिर उसके बाद मैं अपनी एक नई दुनिया फिर से नए सिरे से क्रिएट करूं। तो वो चीज़ें इनके मन में चली। तो सबसे ज़्यादा तो भाई इनके मन में चला है बेनतहा बेनतहा गुस्सा, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है। टैरो से और हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्केंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ब्लाइंडेड टू पेन एंड स्प्लिटेड अपार्ट के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है द मून, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड पाइसिस की एनर्जी आई है। बेसिकली कल रात ये चीज़ें तो डेफिनेटली दिख रही हैं कि आपके पर्सन को जिसने भी अभी तक स्टक करा है, जिसने भी इनकी आंखों पे पट्टी बांध कर इनका गलत फ़ायदा उठाया, इनकी सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर कर दिया, इन्हें कहीं ना कहीं आपसे दूर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अपार्ट आया है और ये भी स्प्लिटिंग अपार्ट, तो ये पर्सन उसके बारे में सोच रहे थे। जैसे कि इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही हों कि मैं इतना कभी स्टक था या थी नहीं जितना मुझे जाहिर करा गया है लोगों के माध्यम से, जितना मुझे मेरे प्यार से या मेरी ज़िंदगी से या मेरे भरोसे से दूर करा गया है, इतना मैं दूर था या थी नहीं जितना मुझे दिखाया गया है मेरी आंखों पे पट्टी बांधकर, मेरे भरोसे को तोड़कर। तो इनके मन में उस तरह की चीज़ें चल रही थी, यानी कि ओवरऑल इनके मन में ये चीज़ें क्लियर हो रही थी कि मैं जो बहुत लंबे समय से अपने आप को विक्टिम मानकर, अपनी सिचुएशन को सरेंडर करके, अपनी स्ट्रेंथ को खोकर बैठा था या बैठी थी आंख पे पट्टी बांध के, वो सिचुएशन इतनी कंट्रोल से बाहर थी नहीं जितनी कि अब हो गई है। तो ऐसा इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चला है। तो हो सकता है इन्हें अब इन चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा हो कि अब सिचुएशन जब अब कंट्रोल से बाहर हुई है तो इसका मतलब पहले थी नहीं, जो इन्हें पहले से ही उस चीज़ के लिए वॉर्न करके, स्टक करके इन्हें बिठा रखा था। तो इनके मन में इस तरह की चीज़ें चली कि सिचुएशन एक्चुअली में अब हुई है ख़राब, पहले से ही ढोल पीट रखा था जिस रीज़न की वजह से इन्होंने कभी भी हिम्मत जुटाई ही नहीं कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इन्वेस्ट एंड ट्रेडिंग के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ वॉन्ड्स, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि। तो ये पर्सन कल रात अवेयर हो रहे थे इनकी लाइफ में जो खुशियाँ थी उस चीज़ को लेकर, और इनकी लाइफ में जो पेन थे उसको लेकर। यानी कि इस पर्सन का माइंड कहीं ना कहीं इस तरह से सेट करा गया था कि ये जो भी आपके साथ सपने देख रहे हैं या जो भी इनका आपके साथ रिश्ता है वो इनके लिए सही नहीं है, उसमें इन्हें दुख
दर्द और तकलीफ ही मिलेंगे और इवन पहले भी इन्हें मिल रहे थे, लेकिन अब ये पर्सन क्योंकि कल रात इन चीज़ों में कंपेयर कर रहे थे तो इन्हें समझ में आ रहा था कि दुख और दर्द ये है, इस चीज़ के लिए अवेयर हो रहे थे और प्यार, खुशियाँ, सेलिब्रेशन वो था जिसके लिए इनके मन में इस तरह की गलत फहमियाँ डाली गई कि ये यहाँ पर खुश नहीं है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख रहे थे या कर रहे थे, ठीक है। और ये पर्सन जो भी इंसान आप लोगों को अलग करने में भागीदार है उसको इन सब चीज़ों की जिम्मेदारी दे रहे थे या उसके लिए ये उसे ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे, वो यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि एक ऐसी एनर्जीज़ में रहे ये पर्सन जिसमें ये अवेयर हो रहे थे कि क्या गलत हुआ तुमसे और किसको तुम गलत समझ रहे थे, किसको तुम्हें गलत समझना चाहिए था, उन सब चीज़ों में ये डिफ्रेंशिएट खुद से करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। किससे बदला लेने के विषय में कल रात सोचते रहे, यूनिवर्स गाइड की इज्जत आई है। द स्टार एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड एक्वेरियस की एनर्जीज है। तो बेसिकली आपके पर्सन के मन में ना ये चीज़ें चलती रहीं कि जिसने इनके रिश्ते में विश्वासघात करा है, जिसने इनको कहीं ना कहीं बैक स्टेप करा है, इस रिश्ते को तोड़कर जिससे इन्होंने सबसे ज़्यादा आशाएं रखी थी उनसे बदला लेने के ये विचार इनके मन में बहुत ज़्यादा चल रहे थे, फिर चाहे उसमें आप ही क्यों ना शामिल हो। अगर इनके मन में इस तरह की गलत फहमियाँ हैं आपको लेकर कि आपने इनके साथ विश्वासघात करा है, तो डेफिनेटली ये बदला आपसे लेने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मुझे इस चीज़ का बदला लेना है। और अगर इनके मन में ये चीज़ें चली हैं कि किसी और ने इस रिश्ते में बैक स्टेप करा है, इन्हें नुकसान दिया है, जिससे इन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उसका अगर खुलासा हुआ है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उससे बदला लेने के विषय में बेहद ज़्यादा सोच रहे थे। तो इस चीज़ को हैंड टू हैंड क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये किससे बदला लेने के विषय में कल रात बेहद ज़्यादा सोच रहे थे, जिसने इनके रिश्ते का एंड करा है, इनके साथ विश्वासघात करा है, किससे ये इस रिश्ते के विषय में बदला लेने के विषय में सोच रहे थे, गाइड की इज्जत आई है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते को ख़त्म करने में, फिर चाहे वो आपकी साइड से हों या फिर इनके दोस्त हों या इनके परिवार वाले ही क्यों ना हों। तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है कि इस पर्सन की नज़रों में आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करने वाला या वाली कौन इंसान है। जो भी पर्सन इस पर्सन की नज़रों में इस रिश्ते को ख़त्म करने की या विश्वासघात करने वाला पर्सन जिम्मेदार है, तो ये पर्सन उससे बदला लेने के विषय में कल रात बेहद ज़्यादा सोच रहे थे, फिर चाहे वो आपके ही परिवार वाले क्यों ना हो, आपकी साइड वाले दोस्त हो, इनकी साइड वाले दोस्त हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं जिनसे ये बदला लेने के विषय में या जिन पर कभी इन्होंने होप रखी थी, भरोसा करा था, उनसे ये बदला लेने के विषय में सोच रहे थे कि इन्होंने इनके रिश्ते को ख़राब करा है या इनकी इनके भरोसे को तोड़ा है। तो वो चीज़ें इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली हैं, उस तरह का गुस्सा, उस तरह की चिड़चिड़ाहट, फ्रस्ट्रेशन इनके मन में कल रात बहुत ज़्यादा चली है, ठीक है। एंगर एंड चेन एंड ऑब्स्टिकल्स के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर आया है जेमिनी एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो बेसिकली इनके मन में इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि अगर इन्हें अब इन चैलेंजेस को, इन दिक्कतों को, इन प्रॉब्लम्स को फेस करना है, अगर इन्हें ख़त्म करना है, तो इन्हें कुछ चीज़ों को बिना गुस्से के प्यार से सॉल्व करना होगा, यानी कि इन्हें प्यार की जंजीरों में बांधना होगा बजाय गुस्से की जंजीरों में। तो उस तरह की चीज़ें चल रही थी, यानी कि कुछ मैन्युपुलेटिव स्ट्रेटजीज इनके मन में कल रात बेहद ज़्यादा चली हैं ताकि ये चीज़ों को अपने मन मुताबिक संभाल सके। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज दिख रही है जैसे कि प्यार से सब चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हो, लेकिन वो है मैन्युपुलेटिव वे में। तो यहाँ पर ये है ताकि जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं ये उससे डील कर सके। तो इस वक्त में एक ऐसी सोच मुझे दिख रही है इस पर्सन की जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो पूरी तरह से, ठीक है, एकदम से जैसे कि होता है ना कि भरोसे लायक नहीं रहा या रही ये इंसान, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। क्वीन ऑफ द वर्ल्ड एंड इनर ट्रुथ के मामले में कल रात व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, क्या सोच रही है, यूनिवर्स गाइड कीजिए।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है एट ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली कल रात इनकी ये एनर्जीज रही है, जैसे कि बहुत वक्त हो गया वेट करते करते, बहुत वक्त हो गया यूँ बैठे हुए देखते हुए, अपने आप को गार्ड करते हुए, अपने आप को डिफेंड करते हुए। अब ज़रूरत है कि अपने आप को कंप्लीट करना है, सिचुएशन को अगर संभालना है तो ज़रूरत है यहाँ पर अब काम करने की। तो उस तरह के विचार इनके मन में चले हैं। नंबर सेवन यानी कि जुलाई मंथ आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि कल रात ये पर्सन अपनी इनर सोल को पहचानने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये क्लियर हो सके कि इन्हें कहाँ पे काम करना है और अब इन्हें कहाँ पर काम नहीं करना है। तो वो चीज़ें इनके मन में बहुत ज़्यादा कल रात चली हैं। तो बेसिकली आज की जो ये रीडिंग आई है ना, वो आज आपको खुद से समझने के लिए ज़्यादा आया है, एज एन कि अगर इस पर्सन को आपके विषय में गलत फहमियाँ हैं, आप लोगों के बीच में किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और ये आपको लेकर काफ़ी गलत हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि ये जो बदला लेने के विषय में सोच रहे थे वो आपके लिए ही सोच रहे हों। और अगर आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं है, कोई गलत फहमियाँ आप लोगों के बीच में नहीं है, या ये पर्सन आपको गलत नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन आपकी ऐसी है, हालात आपके ऐसे हैं जिसमें इन्हें मजबूरी में आकर आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो ये पर्सन उनसे बदला लेने के विषय में सोच रहे थे, तो वो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से लेना है, बाकी का और लोगों के लिए छोड़ना है, क्योंकि सबकी सिचुएशन यहाँ पर अलग अलग है। काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी वॉयलेंट एनर्जीज इनकी कल रात रही है, ये यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। ठीक है, सवाल यहाँ पर आता है कि जिस भी तरह का ये बदला, जिस भी तरह का ये गुस्सा हो, अल्टीमेटली क्या सफलता आपको मिलेगी किसी भी वे में हो, चाहे इनके साथ आपका रीयूनियन होकर हो या फिर ये जो बदला लेने के विषय में सोच रहे थे उसमें ही क्यों ना सफलता आपको मिले। तो ये चीज़ें तीन कार्ड्स के माध्यम से देख लेते हैं, यस और नो में गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स को सफलता मिलेगी इस विषय में, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और दीजिए, बताइए कि व्यूअर्स को इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बैलेंस, जी हाँ बिल्कुल आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, ये चीज़ें पता चलती हैं इन दोनों ही एनर्जी से। वैसे तो क्लियर हो गया था कि जी हाँ आप अगर काम करेंगे, आप अगर रिश्ते में बैलेंस्ड एनर्जीज़ में रहेंगे या हालातों को एक बैलेंस्ड एनर्जीज़ की तरह अगर आप संभालेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सफलता मिलेगी, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। बस आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, एग्रेसिव नहीं होना है, तो ये चीज़ें हैं। तो जो भी जिस भी तरह का बदला यहाँ पर आपके पर्सन के माध्यम से लिया जाने के विषय में सोच रहा है उसमें सफलता आपके हिस्से में आएगी, ये यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर है। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग की कल रात आपके पर्सन किस एनर्जीज में रहे, किस सोच में रहे। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।